तो आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले, प्रशांत भूषण हैज बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेंटेंस पे आर्ग्यूमेंट होंगी 20th अगस्त 2020 को। अब जानते हैं ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है इस कंट्रोवर्सी का। सो दो ट्वीट्स किए थे प्रशांत भूषण ने इन द मंथ ऑफ जून। पहला ट्वीट था, आपने वायरल फोटो तो देखी होगी सीजीआई की ऑन अ हार्ली डेविडसन, तो उन्होंने उस पर कमेंट किया, कहा कि दिस बाइक बिलोंग टू अ बीजेपी लीडर एंड ही वॉज विदाउट मास्क विदाउट हेलमेट प्लस इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड द राइट टू एक्सेस जस्टिस टू द सिटीजन्स। फिर दूसरा ट्वीट था कि जब इतिहासकार वापस जाके फ्यूचर में जब ये 6 साल देखेंगे पिछले कि कैसे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई है और क्या रोल था ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पेशली 4 चीफ जस्टिस का इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन ट्वीट्स का नोटिस सुप्रीम कोर्ट को मिला और उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी अगेंस्ट प्रशांत भूषण। हिंदुस्तान में कंटेम्प्ट का कानून है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 प्लस संविधान में तो कंटेम्प्ट की पावर दे ही रखी है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट बेसिकली लिमिट करती है ऑन द पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। बेसिकली प्रोसीजर भी बताती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट प्लस कितनी सजा दे सकते हो वो भी बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सजा ही नहीं है, मतलब अनलिमिटेड पावर्स है, कोई भी सजा दे सकती है। तो बेसिकली लिमिट लगाती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट का मतलब समझते हैं, कंटेम्प्ट इज शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब कंटेम्प्ट दो तरह की होती है, सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सेक्शन 2B ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट एक्ट में सिविल कंटेम्प्ट इज शोइंग डिसओबीडियंस टू अ जजमेंट और अ डिक्री और एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब आप मानते नहीं हो ऑर्डर को किसी डिक्री को, तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। सेक्शन 2C ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट एक्ट डिफाइंस क्रिमिनल कंटेम्प्ट, पब्लिशिंग एनीथिंग विच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और स्कैंडलाइजेज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कोई भी ऐसी चीज पब्लिश करते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हिंडर करती है या स्कैंडलाइज करती है, लोअर करती है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, इज कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब कंटेम्प्ट की सजा है 6 months ऑफ इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम है ये एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 और बोथ। अब बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट इशू की इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी, आर्टिकल 19 एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो आर्टिकल 19 प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। There are many reasonable restriction upon your freedom of speech and expression given under Article 19(2). But उनमें से एक जो reasonable restriction है वो है contempt of court. But contempt of court use नहीं होना चाहिए as a weapon to stop criticism. देखो तीन organ है government के, legislature, judiciary, executive. तीनों बराबर हैं, कोई किसी से above नहीं है। आप पुलिस को क्रिटिसाइज करते हो, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आप लेजिस्लेचर को भी क्रिटिसाइज करते हो, व्हाई नॉट जुडिशरी? इज जुडिशरी अबव ऑल दीज ऑर्गन्स? क्या जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता? करा जा सकता है। कंटेम्प्ट उन रेयर प्रोसीडिंग्स में से है जहां पे विक्टिम भी कोर्ट ही है और पनिश भी कोर्ट ही करेगी। अगर आपको याद हो जजेस ने भी तो क्वेश्चन की थी इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो आपने उन पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई? याद होगा आप लोगों को 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तब उन पर क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगाई? उन्होंने भी तो क्वेश्चन उठाया था ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उन पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं हुई? ऐसा कहा जाता ना, इंडियन लॉज आर इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश लॉज। तो एक जजमेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की 1987 में स्पाई कैचर की। जब वो जजमेंट आई तो जो 3 जजेस थे जिन्होंने जजमेंट दी थी उनकी पिक्चर पब्लिश हुई डेली मिरर अपसाइड डाउन होकर और लिखा होता ओल्ड फूल्स, उसमें भी कंटेम्प्ट इशू नहीं किया। हेयर वी कैन से कि भाई एक इंडिविजुअल के ऊपर टारगेट किया गया। जब ब्रेक्सिट जजमेंट आई
तो जजेस के लिए डेली मिरर में पब्लिश हुआ एनिमीज ऑफ द पीपल, तो ये तो क्वेश्चन कर रहा है ना क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, फिर भी कंटेम्प्ट इशू नहीं हुआ। इस केस में बाय इशूइंग अ कंटेम्प्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने चाहे अनचाहे एक आइडिया प्रमोट कर दिया इन द सोसाइटी दैट यू इफ यू क्रिटिसाइज द सुप्रीम कोर्ट देन कंटेम्प्ट पिटीशन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस कॉन्ट्रोवर्सी में कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड सी यू अगेन।